सो वेलकम बैक यार भालू भाई। अपन लोग फिर से खेलने वाले आरके सर्वाइवर यार भालू भाई। आज अपन लोग करने वाले डायनासोर को टीम। तो आज की गेम प्ले वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो यार आज के वीडियो को जरूर से फुल वॉच करना। एंड अभी सबसे पहले अपन लोग गेम पे फोकस करते हैं। आप लोग देख सकते हो अपना जो बैक पैक है इन्वेंटरी है वो फुल हो गई है। तो अभी अपन लोग को इन्वेंटरी को खाली करना पड़ेगा, वरना अपनी मूवमेंट स्पीड है ना बिल्कुल स्लो हो जाएगी, मतलब कि अपन लोग सही से चल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने थोड़े स्टोन खाली कर दिए, 19 स्टोन थे मेरे पास, तो इनका वेट समथिंग 6 kg था। और जो अपनी इन्वेंटरी ना बैक पैक है उसकी लिमिट है 105 kg, लेकिन जैसे अपन लोग 80 kg से ऊपर इसमें कोई भी चीज़ लोड कर लेते ना तो भाई अपन लोग सही से चल नहीं पाते, अपनी जो मूवमेंट स्पीड ना बिल्कुल स्लो हो जाती। तो यार अभी मैंने काफ़ी चीज़ें खाली कर दी एंड थोड़ी चीज़ें और खाली कर देता हूँ, समथिंग 70 kg वेट बचने देता हूँ, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो यार मैंने यार फाइनली 2-3 चीज़ें और खाली कर दी है। एंड अभी अपन लोग यार टोटल 11 लेवल के अभी अपनी जर्नी शुरू हुई है, 3रा एपिसोड है। तो थोड़ा यार मेरे पे ज़्यादा बनता नहीं, तो आप लोग कमेंट करके बताते जाना जहाँ जहाँ पे आप लोग से कुछ कुछ पूछूंगा तो, ठीक है, क्योंकि यार अभी अपन लोग न्यू सर्वाइवर है। तो यार अभी मेरे को टास्क बाई टास्क खेल रहा हूँ, बिकॉज मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं टास्क बाई टास्क कम्प्लीट करते जा रहा हूँ। तो यार फिलहाल अभी मेरे को एक टास्क मिला है, तो चलो अपन लोग उस पर फोकस करते हैं। तो यार अब इसको कट कर देते, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपने पास 3 डोडो है, मतलब कि मैंने डोडो को टेम किया था जब टास्क में आया था। तो मेरे को यहाँ पे फाइन डिलोफो सोरस करके एक क्या है भाई, मतलब ये कौन सा जानवर रहता है मेरे को पता नहीं है, बट चलो इसको मेरे को फाइंड करना है। नाम क्या है भाई, नेम भी बोलते नहीं पता है। लेकिन एक सेकंड यार, ये डोडो अपने पीछे आ रही थी, उसको मेरे को रोकना पड़ेगा। तो चलो फाइनली मैंने रोक दिया सीटी बजा के, मतलब कि तीन टाइप की सीटी रहती है इसमें, एक अटैक करने वाली, एक स्टॉप वाली, सेम ही रहती है बट। तो चलो मेरे को डिलोफोसोरस को फाइंड करना है भाई, नेम भी बोलते नहीं बनता मेरे को। तो यार ये कौन सा जानवर है बट मेरे को पता नहीं, बट मैं एक एक जानवर के ऊपर एम रखते जाऊंगा, उसका नेम आते जाता है, तो वहाँ से मैं पता कर लूँगा कि ये कौन सा जानवर है, ठीक है। तो यार चलो मेरे को लग रहा है डायनासोर डिलोफोसोरस, मतलब आई थिंक ऐसा लग रहा है डायनासोर की कोई प्रजाति मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि यार डिलोफोसोरस मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, आई थिंक ऐसा मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यार मैं यहाँ पे थोड़ी स्ट्रॉबेरी वगैरह जो खाने पीने के फल फ्रूट है उनको भी कलेक्ट करते जाता हूँ, बिकॉज एक काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है अपन लोग को, जो अपन लोग डायनासोर को टेम करने वाले, मतलब कि यार डायनासोर की प्रजाति में जो भी डायनासोर देखेगा अभी अपन लोग उसको टेम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी अपन लोग टास्क पर फोकस करते हैं, बिकॉज टास्क आगे बढ़ते जाते हैं ना तो लेवल अप होते जाते हैं अपन लोग, और फिर और भी ज़्यादा अपन लोग को चीज़ें मिलती जाती है, नॉलेज होती जाती है। एंड डेवलप कैसे होते हैं, थोड़ी ट्रिक वगैरह होते हैं आप लोग जरूर से कमेंट बताना। लिटरली मैं कब से फाइंड कर रहा हूँ, दोपहर से शाम होने को, लेकिन मेरे को अभी भी डिलोफोसोरस मिला ही नहीं है। ये कौन सा जानवर है भाई, ये थोड़ी है भाई, इसका नाम तो कुछ अलग है। हाँ अभी अपन लोग इसको टेम करेंगे, ठीक है, अभी नहीं, पहले अपन लोग टास्क कंप्लीट करते ये जो पैरासोर करके जो भी एनिमल है ना, मतलब कि ये तो वो एक सेकेंड एक ये लग रहा है मेरे को डिलोफोसोरस एनिमल, रुको उसके एक सेकेंड, यू हैव एंटर डेंजरस एरिया। सबसे पहले मेरे को ऐसे भागना पड़ेगा भाई, डेंजरस एरिया में आ गया, बिकॉज आप लोगों ने पता होगा एक बार मैंने, मतलब आप लोगों ने जैसा फर्स्ट एपिसोड में देखा होगा कि अपन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में गलती कर दी थी, डेंजरस एरिया में आ गए थे। एक सेकंड, ये मेरे पीछे कौन पड़ गया भाई, मेरे को बताने तो दे, ये कौन सा जानवर है भाई, ये क्या, ओ भाई ये वो जानवर है, डिलोफोसोरस जानवर है, वो लिटरली बहुत खतरनाक है, इसने मेरे ऊपर कौन सा वायरस छोड़ दिया भाई, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है लिटरली यार, ये काफ़ी खतरनाक भाई, खतरनाक एनिमल है। तो भाई डायनासोर को बच्चा ही है भाई ये तो। चलो फाइनली मैंने इसको किल कर दिया, मेरे को 3 को किल करना है, ओके मैंने फाइनली 1 को किल कर दिया। तो भाई मेरे को डेंजरस एरिया में बिल्कुल नहीं जाना, जैसे कि मैं भी आप लोग को बता रहा था, मैं बता नहीं पाया था फर्स्ट एपिसोड में, अपन लोग डेंजरस एरिया में चले गए थे, वहाँ पे क्रोकोडाइल ने अटैक कर दिया था भाई, अपनी जर्नी शुरू होती खत्म हो जाती। तो यार अभी मैं एक ही डिलोफोसोरस को मार पाया हूँ, तो अभी मेरे को सोना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे रात हो गई है। तो मेरा एक स्लीप बेड बाहर पड़ा, एक घर के अंदर पड़ा, भाई मैं बाहर ही सो जाता हूँ, कोई डर वाली बात नहीं, अपन लोग ने अपना घर थोड़ा हाइट पर बनाया है। तो चलो यार थोड़ी सी सुबह तो हो गई, मतलब ज़्यादा सुबह नहीं हुई, सुबह के 4-5 ही बजे। तो यार मेरे को 2 डिलोफोसोरस को और मारना है, और फिर मेरे को टीम करना है पैरासोर करके जो एनिमल, मतलब वो काफ़ी बड़ा लगता है, अब मेरे को पता नहीं है कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो पहले यार मैं इन एनिमल को मारता हूँ, जो है ना क्या नाम है इसका, डिलोफोसोरस को। चलो सबसे पहले अपन लोग इसको मारते, मेरे पास यार काफ़ी बढ़िया वेपन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बॉ करके जो वेपन है, इसको हिंदी में तीर कमान बोलते। चलो एक कनेक्ट हुआ इसके, कनेक्ट हुआ, ओ भाई सीधा मेरे ऊपर आ रहा है, लिटरली इसको यूज कैसे करते भाई, एक तो मैंने चला लिया था, ये मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया। एक सेकंड, ओ भाई इसने फिर वो वाला मार दिया मेरे को, कौन सा वायरस है। सबसे पहले मेरे को अपनी बोई वाली वेपन निकालनी पड़ेगी। चलो अब आ जा बेटे, एक्सी से तेरे को मारूंगा ना, इतना मारूंगा, ले भाई किले बिल 11 का है भूतनी वाला, मर गया क्या, भाग रहा है भूतनी के, भाग रुक, तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, मर आइए, वायरस बहुत खतरनाक रहता है कसम से भूतनी का, मर मर। और चलो फाइनली इसको मार दिया, अब सबसे मेरे को एक और किल करना है। तो सबसे पहले यार ये वायरस को हटने दो भाई, कुछ समझ में नहीं आता,
तो यार चलो इसकी मैं लूट वगैरह कर लेता हूँ, उससे मीट मिलेगा और हाइट मिलेगा। हाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हाइट काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाइट और मीट तो वैसे बिना पकाए खा जाता हूँ, मेरी हेल्थ घट जाती है, बट दिक्कत वाली कोई बात नहीं। अभी अपने को एक और फाइंड करना है, ठीक है, यहीं कहीं पे रहते हैं वो डोडो और जो डिलोफोसॉरस करके जो एनिमल है ना, ये नदी के किनारे पे रहती है। देखो नदी के किनारे पे रहते, भाई वो पूरा शब्द भी नहीं बोल पाता और वहाँ से भाई इसको छोड़ देता हूँ। चलो अभी अपन लोग इसको मारेंगे, इसने मेरे को देखा नहीं। ये कौन सा जानवर है भाई उड़ने वाला है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। पहले यार मेरे को उसको मारने दो, अब इसको साइड करो भाई, ये अटैक नहीं कर रहा है, मतलब ये थोड़े सीधे जानवर अटैक नहीं करते। चलो यार भाई ये वेपन मेरे पे यूज करती नहीं बनती, लिटरली मेरा तुक्का लगता है कभी कभी मैं कैसे यूज कर लेता हूँ भाई, कैसे यूज करूँ यार इसको, ये तो मेरे क्लोज ही आने वाला है। पूरे एक सेकंड से मेरे को देख लिया, मैं गया। ये वेपन भाई मेरे पे यूज करती नहीं बनती मेरे को। ले भाई पच गया 12 से, इसको तो पी लूँगा भूतनी वाले को। ये भी लेवल 11 का आया था बेटे, ले तेरी 143 हेल्थ ही बची 182 में से भाई, लेटर में मेरी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चली गई भाई। ये और इसका दोस्त आ गया, अब मैं मरने वाला हूँ। भाग ले भाई। लिटरली दो आ गए भाई, अपने को पेन देंगे। अभी अपन लोग को ऐसे भागना पड़ेगा, दोनों मेरे पीछे पड़ गए। मैं तो सीधा घर पे जा रहा हूँ क्योंकि घर पे ही बचूंगा भाई। यहाँ पे अपन लोग बच नहीं पाते, घर के ऊपर जैसे अपन लोग चढ़ जाते ना तो ये घर के ऊपर अपने ऊपर अटैक नहीं कर पाते। फिर वहाँ से मैं इसी वेपन से मारूंगा, वो करके जो वेपन है ना तीर कमान बोलते इसको। तो चलो यार सबसे पहले अपन लोग घर पे भागते, लिटरली अभी भी मेरे पीछे पड़े लगता है। हाँ अभी भी पीछे पड़े भाई, एक होता ना तो मैं आसानी से फिनिश आउट कर देता, बट यहाँ पे दो है ना, और भाई आपको पता है काफ़ी तगड़ा डैमेज दे रहे और जो वो वायरस छोड़ते ना उसमें तो मेरे को कुछ दिखता ही नहीं है। तो सबसे पहले अपन लोग घर पे चलते भाई, मेरे को एक बड़ा एनिमल को भी मतलब कि टेम करना है, क्योंकि यार बहुत ज़रूरी है। अपने को एक डायनासोर मिल जाना, कोई भी बढ़िया सा कोई भी मतलब डायनासोर की प्रजाति का भाई वो ही मिल जाए। क्या नाम था उसका, पैरासोर करके जो मतलब डायनासोर था, उसी को मैं टेम करूँगा, क्योंकि यार उनके ऊपर बैठ के फिर अपन लोग इनको मारेंगे। मतलब कि यार अभी अपन लोग को खुद से लड़ना पड़ता है, फिर उसके ऊपर चढ़ के मारेंगे। ये वाली वेपन को क्राफ्ट करना है मेरे को, इसी से मैं मारूंगा। एक काम करता हूँ भाई, मैं इसी वेपन को यूज कर, एक सेकेंड भाई, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिलोफोसॉरस है ना, ये दूसरे को मारने लगे भाई। यहाँ पे एक दूसरा जानवर है लेस्ट्रोस करके, एक जानवर रहता है, एक कौन वो ही है ना लेस्ट्रोस एक नाम रहता है उसका, वो ही है, उसके ऊपर अटैक करने लगे। चलो भाई थर्ड पार्टी कर लेते अपन लोग, इसी का फायदा उठाते। ये दोनों उसको मार रहे हैं, अपन लोग यहाँ से थर्ड पार्टी करेंगे और इनको अपन लोग पील देंगे भाई। लिटरली ये वाला जो वेपन है मेरे पे यूज करते नहीं बनता। चलो यार एक तो कनेक्ट हुआ, चलो दो कनेक्ट हो गए आई थिंक, ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा एक तो। और एक सेकंड, ये मेरे ऊपर रस कर रहा है क्या? नहीं मेरे ऊपर नहीं आ रहा है। चलो भाई एक सेकंड, ये वाला मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। ये कुर कनेक्ट हो जाए ना, ये देखो मेरे को लग ही रहा था ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, और अब मेरे पे यूज करते बन ही नहीं रही ये वेपन। भाग ले, ये बारह छोड़ने वाला है। बच गया भाई, इसकी बारह की रेंज में नहीं आया मैं। भूतनी वाला ये वेपन मेरे पे यूज करती नहीं बन रही। मैं घर के ऊपर चलता हूँ, सबसे पहले इसको एक्स से मारूंगा, ये जो अपनी कुल्हाड़ी है ना इससे मारेंगे। थोड़ा और ऊपर आ जाते भाई, लिटरली एक काम करता हूँ मैं, अब इसी से मारूंगा। ये तीर कमाने ना धनसवाड़ इसी से मारूंगा मैं, रुको इसी वेपन से मारूंगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अभी अपने को तो मार ही नहीं सकता। अब तो मैं इसको यूज करके रहूंगा भाई। ये यूज करते नहीं बनते, मतलब इसमें कुछ लिखा रहता है डबल टैप करो इस टाइप से। भाई दो है, एक को तो फिनिश करूंगा, एक कल्टी लेने वाला है मेरे को ऐसा लग रहा है, एक भाग रहा है, इसको तो मैं फिनिश कर दूंगा भाई। मेरी डोडो को भी मार रहा है आई थिंक, भाई मेरी डोडो को फिनिश कर देगा। एक सेकंड, इसको एक कनेक्ट हुआ क्या? नहीं, एक भी एक, हाँ एक कनेक्ट हो गया इसको। और रुको एक और मारेंगे इसको भूतनी वाले को, कहाँ भाग रहा है? रुक बेटे, तू तो जाने वाला। चलो एक और कनेक्ट कर दिया मैंने, नहीं एक कनेक्ट नहीं हुआ, मिस हो गया आई थिंक ऐसा लग रहा है मेरे को। अब जाके कनेक्ट हुआ और मर गया क्या? हाँ आई थिंक मर गया भाई, मर गया ना। चलो मर गया, इसकी अपन लोग फटाफट लूट कर लेते, मतलब किसमें से मीट वगैरह मिलेगा। ओके मेरे को एक और वेपन मिल गई है, और दूसरा वाला इसका ब्रदर कहाँ गया भाई? इसको भी मारेंगे पहले, इसको अपन लोग मतलब इसमें से कुछ आइटम मिलेगा। यहाँ पे देखो भाई हाइट मिल गया, मीट अपने पास काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन एक सेकंड में लेवल अप होगा। मेरा फूड पूरा ख़त्म हो गया, फूड वाली हेल्थ पूरी ख़त्म हो गई, तो मेरे को सबसे पहले फटाफट यहाँ पे स्ट्रॉबेरी इसको खाना पड़ेगा। चलो इसको मैंने फटाफट खा लिया, एंड मीट को भी खाना पड़ेगा भाई। मीट में कच्चा ही खा जाता हूँ, मेरी हेल्थ कम जाती है, इस लेवल अप में मैं हेल्थ ही बढ़ा लेता हूँ। फिर मेरे को एक चीज़ और बढ़ानी, स्टेमिना और वेट दो को बढ़ाना है, मतलब कि बैकपैक की थोड़ी साइज बढ़ानी है और स्टेमिना बढ़ाना है भाई। स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब कोई एनिमल डेंजरस एनिमल अपने पीछे पड़ जाता है ना उससे भागने के लिए। तो यार फिलहाल अभी मैं थोड़े आगे आ गया हूँ, क्योंकि अब मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। अब मैं करने वाला हूँ उसी पैरासोर को टेम। तो चलो ये रहा भाई, ये हरा कलर का भी सही लग रहा है दिखने में, इसको टेम कर लेते हैं। और मेरे पास भोला, वो इसको क्या बोलते हैं, बोला गोला, इसका इस जो मेरे पास वेपन है ना इसको बोला करके, ये वेपन इस वेपन का नाम है। इससे क्या होता है, इसके पैर मतलब जम जाएंगे, मतलब कि पैरों पर मारेंगे ना तो कहीं चल नहीं पाएगा। तो चलो भोला गोला करके इस वेपन का नेम है भाई। तो चलो इसको मैं मारने वाला हूँ फेंक के। ओके फंस गया, इसके पैर में मैंने मार दिया बोला, हाँ बोला करके इस वेपन का नाम है। तो चलो इस वेपन को मैंने इसके पैर पर मार दिया, अभी कहीं नहीं भाग पाएगा। तो मेरे पास ये वेपन है, सीधा 50 का डैमेज देती है। अभी आप लोग देखना,
सीधा मारूंगा, ए देखो 50 का एक और मारूंगा और इसको मैं टेम करने वाला हूँ, ठीक है। पूरा नहीं मारूंगा, इसकी हेल्थ थोड़ी डाउन करूंगा और फिर इसको मैं उसी वाली वेपन से मारूंगा जिससे टेम करते हैं। इसकी हेल्थ थोड़ी और डाउन कर देता हूँ, मैं थोड़ी और डाउन कर देता हूँ। एक सेकंड यार, क्या हो रहा है, जल्दी इसको फिनिश करना पड़ेगा। अपनी जो भोला वेपन है ना, मतलब जिससे अपन लोगों ने इसके पैर बांधे वो छूटने वाली है, उसकी थोड़ी टाइम रहती और अब मेरे को वही वाली वेपन निकालनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को टेम करना है इसको। चलो इससे टेम होता है, ठीक है, इसको यूज पे दबाओ। चलो अब इसको अपन लोग फटाफट टेम करते हैं और इसकी हेल्थ 90 है, 86। एक सेकंड आया भाई, अपनी जो वेपन थी वो चली गई, मतलब कि उसकी टाइम खत्म हो गया। भोला वेपन है मेरे पास, ये पूरे यहाँ पे आप लोग देखना, इसका नाम भोला ही है ना, भोला। कहाँ गया यार वो वेपन, भोला वेपन कहाँ गई? एक सेकंड, ए रही, ये देखो, हाँ इसका नाम भोला ही है, इसको इक्विप कर लेता हूँ। चलो भाई एक बार और मैं देखो, इसके पैर को कसना पड़ेगा, मतलब कि पैर पे मारना पड़ेगा ताकि ये फिर से फ्रीज हो जाए, फिर मैं इसको टेम करूँगा, ठीक है। अब चलो 1 2 3, इसका पैर फिर से जाम हो गया। चलो फटाफट इसको भी अपन लोग टेम करने वाले, अब मजा आएगा ना, अब किसी भी जानवर से मैं आसानी से फाइट कर पाऊंगा भाई। मतलब यार कोई बड़ा एनिमी लेकिन यार 3 लेवल है कहीं। चलो कोई ना, वो एक सेकंड यहाँ पे ऑप्शन आ गया टेम करने का। चलो यार इसको स्ट्रॉबेरी वगैरह दे देते हैं, अपने पास कुछ फल फ्रूट है तो एक सेकंड ए वाला फ्रूट को अपन लोग दे देते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो चलो इसको, ये कोई बेरी है, कौन से बेरी है, नारको बेरी। चलो नारको बेरी को मैंने डाल दिया और यहाँ पे एक और बेरी है टेंटो बेरी करके, इसको भी मैं डाल दिया हूँ। चलो मैंने 2 बेरी डाल दी और ये देखो टीम होने लगा। चलो यार फॉन्ट यार काफ़ी टाइम हो गया, इसको मैंने बेरी खिला रहा हूँ और मतलब थोड़ा टाइम लगता है, समथिंग 5 मिनट लग जाता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कट कर दिया हूँ और ऑलमोस्ट टीम होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 90% टीमिंग हो गई है, बस थोड़ा ही और टीम हो जाएगा फिर मजा आएगा ना। फिर मतलब इसको अपन लोग थोड़ा खिलाएंगे पढ़ाएंगे और उसकी लेवल बढ़ा देंगे, फिर मतलब कोई भी आ जाए, कोई भी एनिमल से अपन लोग फाइट करेंगे। लेकिन यार एक सेकंड, मेरे पास सीड नहीं है, सीडल बोलते ना उसको, हाँ एक सीडल रहती है जिससे अपन लोग इसके ऊपर बैठ सकते हैं, मतलब कि अपन लोग इसको टेम तो कर लिया लेकिन इसके ऊपर नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि एक और मतलब एक वो आप लोग बोल सकते हो बैठने वाली एक और आइटम रहता है, उसको भी मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, क्राफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यार थोड़े आगे आ जाता हूँ और हाँ यार छोटी टिप्स वगैरह देते जाना, मैं न्यू सर्वाइवर हूँ। तो चलो यार मैंने सीटी तो बजा दी, मेरे पीछे नहीं आ रहा यार, मतलब फॉलो वाली मैंने सीटी तो मारी थी, आई थिंक लग रहा है, आ जा पीछे भाई, पीछे नहीं आ रहा है, मैंने सीटी तो मारी थी फॉलो वाली, आना भूतनी वाला, इसको क्या नशा चढ़ गया क्या, आ जा जल्दी आ, हाँ चलो पीछे आ रहा है। चलो अभी अपन लोग इसको लेके अपने घर पे चलते, मेरे को वो सीडल करके जो रहता है ना उसको बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर रख देते हो फिर अपन लोग इसके ऊपर बैठ सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर बैठ नहीं सकता, लिटरली यार आप देखो मेरे पीछे आ रहा है, मेरे को डर सा लग रहा है। और थोड़ी टिप्स वगैरह यार जरूर से कमेंट में बताना और क्या करूँ मैं, और लेवल अप वाली ट्रिक तो जरूर से बता ही देना यार। तो चलो इसको अपन लोग फटाफट घर पे लेके आ जाते हैं। भाई मैंने बड़ा एनिमल को फाइट मतलब कि टेम कर लिया, हाँ ये थोड़ा नेवन क्रीका है लेकिन फिर भी दिखने में तो काफ़ी हैवी लग रहा है ना। अपने पास बस 2-3 डोडो थे जो कुछ काम की नहीं थी, लेकिन अब आया ना बड़ा एनिमल। चलो यार भाई अभी इसको मैं मतलब अग्रेशन में लगा देता हूँ, मतलब कि जो भी मेरे ऊपर अटैक करेगा तो ये भी अटैक करेगा। और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पानी बंद हो गया और सुबह हो गई, क्या ही तो लग रहा है भाई ये। एंड पैसे यार बने हुए थे हमारे आज के वीडियो, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओनली 7 सब्सक्राइबर चाहिए और अपने 1 के सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। एंड बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो में।